बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोसेस बिजनेस एक्सपर्ट की एक और मॉडिफिकेशन के हवाले से आज मैं आपको गाइड करूंगा, जो कि ब्रांच पेमेंट वाउचर के हवाले से है। अच्छा, ब्रांच पेमेंट वाउचर एक्चुअली है क्या, इसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं। जैसे कि हम मेन ब्रांच है और हमारी सब ब्रांचेस जो हैं कुछ DHA या कुछ और जगहों पर हमारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और हमें उनको कैश डिलीवर्ड करना है। तो हम उनको जब कैश डिलीवर करते हैं तो हम ब्रांच पेमेंट वाउचर बनाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमें स्टेटस जो है उसका पता नहीं चल पाता कि वहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको मॉडिफिकेशन के हवाले से बताऊंगा कि हमने एक कॉलम ऐड किया है जिसमें हमें स्टेटस पता चलता है कि ब्रांच में पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। तो आइए चलते हैं, हम इस मॉडिफिकेशन को देखते हैं। हम सबसे पहले जनरल लेजर वाउचर ट्रांजेक्शन ब्रांच पेमेंट वाउचर, हम यहाँ पे एक न्यू वाउचर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेबिट इन्फॉर्मेशन, एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे जो है मैं कोई भी डेबिट इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, जो कि इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रियल एक्सपायर में मैं 20,000 जो है यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। इसको हम टेस्ट बना लेते हैं और जो है ये मैं कैश इन हैंड से सेंड कर देता हूँ। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं सेव करा देता हूँ यहाँ पे। सेव कराने के बाद मैं गेट रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो ब्रांच पेमेंट वाउचर बनाया है, यहाँ पे एक पेमेंट स्टेटस का जो हमने कॉलम ऐड किया है जिसमें नॉट रिसीव्ड, आपको पेमेंट यहाँ पे स्टेटस दिख रहा होगा कि नॉट रिसीव्ड है। अच्छा, इसी तरीके से हम सेकेंड ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे हमने ये कैश जो है डिपॉजिट कराया है, तो उस ब्रांच पे जब तक ये रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पे हमें ये नॉट रिसीव का स्टेटस दिखाता रहेगा। जैसे ही उस ब्रांच पे रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे ये रिसीव मार्क कर देगा। तो ये भी हम देख लेते हैं किस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने ब्रांच स्विच कर लिया और हम यहाँ पर ब्रांच रिसीव वाउचर में आ गए। हम इसको न्यू कर लेते हैं। न्यू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डेमो ब्रांच से जो डेटा रिसीव हुआ है, 20,000 जो हमें कैश रिसीव हुआ है, यहाँ पर हम इसको रिसीव कर लेते हैं और सेव करा देते हैं। तो इट्स मीन के यहाँ पे हमें कैश रिसीव हो गया है इस ब्रांच पे। अब हम वापस जाके उस पर स्टेटस देखेंगे तो हमारा जो स्टेटस है वहाँ पे मार्क हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसने, हमने जैसे ब्रांच पे कैश रिसीव किया है और यहाँ पे हमें मेन ब्रांच पे जो है इसने रिसीव स्टेटस दिखा दिया है। तो आई होप ये मॉडिफिकेशन आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक इस हवाले से हमें लाजमी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।